वेलोसिटी के इक्वलेंट होता है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे वी एल इंटू वी, यानी कि यहाँ पे ईएमएफ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि वी कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कितनी फास्ट रेट से आप इसको बाहर निकाल रहे हो, स्लो स्लो करके निकालोगे तो चेंज बड़ा स्लो होगा, चेंज स्लो होगा तो ईएमएफ जो वो क्या होगा कम प्रोड्यूस होगा, बड़ी फास्ट रेट से एकदम से बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा फ्लक्स जो होगा बड़ी फास्ट रेट से चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स जितनी ज्यादा फास्ट रेट से चेंज होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो दिस वन इज द सेकंड मेथड टू प्रोड्यूस द ईएमएफ, ठीक है, दैट इज बाय चेंजिंग द एरिया, और इसको हम क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्यों, क्योंकि ये मोशन जो मूव कर रहा है, ठीक, सॉरी कोई जो वो मूव कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ बोला जाता है इसको, इज इट।